सोलन शहर में नगर निगम द्वारा घर घर जाकर कूड़ा उठाया जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि यह व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है। शहर वासियों के घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा है। त्योहारी सीजन के दौरान घर के आगे पड़ा कूड़ा शहर वासियों को बुरी तरह से अखर रहा है। सोलन के लकड़ बाजार में वार्ड 7 के घरों और दुकानों से पिछले करीबन 10 दिनों से कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मी नहीं आया है, जिसके चलते सभी लोग बेहद परेशान हैं। यहां तक कि नगर निगम द्वारा कूड़े का बिल बिल्कुल समय पर भेजा जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मी एक माह में केवल 15 दिन ही दर्शन दे रहा है। ऐसे में शहरवासी बिल का भुगतान भी बड़ी पीड़ा के साथ कर रहे हैं। जब इस व्यवस्था के बारे में नगर निगम के डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी उन्हें इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। अलबत्ता मीडिया के माध्यम से ही उन्हें इस बात का पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में कूड़ा सभी घरों से समय पर एकत्र किया जाए, इसको लेकर उनके द्वारा आज भी बैठक की जा रही है, जिसके चलते वह सभी सफाई कर्मियों को निर्देश देंगे कि ऐसी चूक भविष्य में न की जाए। वही उन्होंने उन दुकानदारों और फड़ी वालों को भी चेतावनी दी है जो रात को दुकान बंद करते हुए दुकान का कूड़ा सड़क पर गिरा देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लापरवाह दुकानदारों का नगर निगम कम से कम 1,000 रुपए का चालान करेगा, जिसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। हमारे पास अभी इस तरह की कोई भी कंप्लेंट हम तक अभी नहीं आई थी। आपने आपके माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि 7 नंबर वार्ड के जो और 9 नंबर एडजॉइनिंग वार्ड्स हैं, उनमें कोई कंप्लेंट्स बाजार में इस तरह की चल रही है। हमने अपनी तरफ से जो है शहर के सफाई के लिए पहले ही आदेश जारी किए हैं कि जो गाड़ियां हैं प्रॉपर जो रोड्स हैं मेन रोड्स हैं उन सबको सुबह क्लियर करने के बाद हमें ये लोग रिपोर्ट करेंगे कि हमने सभी शांति से लेकर के सलोगड़ा तक और बाईपास 2 नंबर वार्ड में डोमिनोज के आसपास जो मेन रोड्स हैं उनको क्लियर करने के बाद। पर जहाँ तक डोर टू डोर का सवाल पैदा होता है जो 7 नंबर एडजॉइनिंग का है, उसमें भी अभी आपने हमें इससे अवगत कराया है। हम तुरंत इस पर अभी एक्शन लेंगे और इसके लिए ज़रूरी आदेश जारी करेंगे। बाकी सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमने अभी कार्यालय से आदेश भी जारी किए हैं, जिसमें जो जितने भी दुकानदार हैं और जो भी रेहड़ी वगैरह खास करके रेहड़ी या फड़ी लगा कर काम कर रहे हैं, उनका जो कूड़ा होता है शाम को वो वहीं छोड़ जाते हैं दुकानों के आगे। तो उसके लिए भी हमने कार्यालय आदेश जारी किया है कि इन्हें 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना जो है लगभग इनसे वसूला जाए। कोई भी अगर यदि ऐसी हरकत करता हो और डाला गया पाया गया तो हमने उसमें कार्यालय आदेश भी हमने एक जारी किया है। इससे सोलन की सफाई व्यवस्था को ही सुदृढ़ करने के लिए कदम समय समय पर उठाए जाते हैं। तो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स हैं, अभी आज हम इनसे बात भी करने जा रहे हैं। हमने दिन में इनको बुलाया भी 1-2 बजे दीपावली के उपलक्ष्य में, तो हम इनसे बात भी करेंगे और जो आदेश है ज़रूरी वो भी जारी करेंगे। 7 नंबर और 9 नंबर के लिए भी है, हम कल तक जो भी कंप्लेंट्स हैं वो दूर हो जाएंगी। तो लोगों ने दुकानों के आगे भी छोटे फड़ी वाले बैठा रखे हैं, ये शाम को ये भी कूड़ा इकट्ठा करके जो बचा कुचा वहीं रख जाते हैं। तो हमने उसके लिए आदेश जारी किए हैं कि ऐसे लोगों को पेनल्टी भी देंगे, पेनल्टी लगाएंगे और साथ ही अभी सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। देखिए, दिवाली के अवसर पर मैं सोलन की जनता से यही कहूँगा कि आप ग्रीन दिवाली बनाएं और सफाई का विशेष ध्यान रखें और मास्क पहने, उचित दूरी बनाए रखें। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल सोलन।